कुछ स्तर के तो करो। राष्ट्रीय स्तर पर यदि काम नहीं करते हो, वहां नहीं बैठते और हमारा प्रतिनिधित्व करने में कहीं कमी रखते हो, संसद के अंदर कोई मुद्दे उठाने हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इनका कर्तव्य वहां बनता है, वहां नहीं बोलते हो तो हम कहेंगे महाराज एमपी साहब कमजोर पड़े। इसलिए आप और हम सबको एक ही ध्येय एक ही ध्यान रखना है कि मोदी जी के बरोबर हमारे संसद महोदय सांसद महोदय की जो कुर्सी लगती है वो लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। आपका मेरा गर्व स्वाभिमान और जो कुछ है वह कुर्सी लगने पर होगा अगर नहीं लगने पर यह तय कर लो आप। मेरा मान और सम्मान और आपका मान और सम्मान, हम सबका मान सम्मान हमारा प्रतिनिधि जब मोदी जी के बरोबर बैठेगा तब होगा अगर नहीं बैठेगा तब होगा ये बताओ। एक ही तय करना है कि ये कुर्सी उनके पास हमारी यहां से लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। लगनी चाहिए, काम सब होते रहेंगे, काम होंगे, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, पर सम्मान हमारा बरकरार रखना चाहिए। भारत का सम्मान, कोंकण का सम्मान, राजस्थान का सम्मान, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अंगुली टेकने के लिए कोई आदमी है उसको वहां बिठाना हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। इस ध्येय को और इस ध्यान को रखते हुए हमारे को ये सौभाग्य मिला, इसको चूकना नहीं है। कुछ विसंगतियां, कुछ भ्रांतियां मानव मस्तिष्क से आ जाता है, भ्रम सबके होता है। भ्रम तो एक गुण है, भ्रम मेरे मन में भी हो सकता है, भ्रम आपके मन में भी हो सकता है, परंतु यह भी ध्यान रखना कि भ्रम भ्रम होता है, वो सत्य नहीं होता है। मां अपनी मां के साथ में अपनी कोई बहन सोई हुई हो पुरुष के कपड़े पहन करके और हम भ्रम कर दे यदि मार दें तो क्या होता है? भ्रम में ना पड़ करके सच्चाई पर जाओगे तो सच्चाई ये है कि हमारा मान और सम्मान है ये कम नहीं है। आज से आगे मैं आशा पूरी रखता हूं आपसे, क्योंकि मैं आपके अंतः मन से जानता हूं और आपके नजदीक तक जाने का मैंने प्रयास किया 5 वर्षों में। सब बातें आती, मैं भी एक आपके साथ उठने बैठने वाला संसार में रहने वाला सन्यासी हूं, मैं कोई स्वर्ग लोक में रहने वाला या जंगलों में रहने वाला नहीं हूं। सबसे हिलमिल चलना मेरा धर्म बनता है, परंतु हमारी संतों की भाषा में एक और संकेत भी होता है, भेड़ा है पर भेड़ता नहीं। हम आपके साथ हैं पर आप जैसे नहीं है, फिर भी आप जैसे बनकर के काम क्यों कर रहे हैं? हमारा भी एक ध्येय था इसलिए आपके साथ आए, और उस ध्येय में आपने जो काम किया, मैं एक ही संत नहीं, हमारे पास देने का पूर्ण अधिकार है, वो है आशीर्वाद। योजनाओं से पहले यदि हमारे से कोई आशा रखते हो आप कि बाप जी बाकी तो छोड़ो हमारा आशीर्वाद दे दे, तो मैं पोकड़ की जनता को धन्यवाद देता हूं कि 5 वर्ष आपके बीच में रहने के बाद आपने इस भगवे की जो लाज रखी है, सम्मान बढ़ाया। मैं एक नहीं, संत परंपरा के सारे सन्यासी और संत महात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आज पोकड़ को, और वह पुनः आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम केवल मात्र इतना ही करने के लिए नहीं आए थे। मैं पीआर, मेरा बैल पीआर, फिर कुआ ढह पड़े। हम राजनीति में आए हैं तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आए हैं, और भारत को विश्वगुरु बनाना है तो ये कुर्सी इन्हीं के पास रहनी चाहिए, मोदी जी की कुर्सी मोदी जी के पास रहनी चाहिए, तब तक हम लगे रहेंगे। मेरा मान सम्मान उसी में, सारे संत भी कहेंगे, सारे जनप्रतिनिधि कहेंगे कि बाप जी की जीत के बाद में लोकसभा में भी बाप जी जीते, भगुआ जीता, क्योंकि बाप जी के कार्यकाल में लोकसभा में भी वहां आगे रहे। यह हमारी इतिश्री नहीं है कि एमएलए चुनाव लड़ा लिया, बाप जी को जीता दिया फ्री, नहीं। हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह जो हमारे कंधे पर है, सपने में भी ये दिखना चाहिए, दूसरा कोई दिखना ही नहीं चाहिए। इसलिए अब इज्जत और सम्मान मेरा है, भगवे का आपने जिस प्रकार रखा है ठीक ऐसे अब मेरे को आपने जिम्मेदारी दी है, एक बार संत के नाते नहीं जनप्रतिनिधि के रूप में।
मेरी इज्जत और मेरी प्रतिष्ठा का भी विषय है, हम सबका प्रतिष्ठा का विषय, जितने हम लोग मंच पर बैठे, कि यहां की लोकसभा में 25-30 हजार नहीं 36 हजार के आंकड़े को भी पार करना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा हमारे को ध्येय, तभी जा करके अपना एक काम पूरा होगा, एक कदम पूरा होगा राष्ट्र को मजबूत करने का। भ्रांतियां जो मैं कह रहा था, आप मेरे पास बैठे नहीं, मुझे समझा नहीं, मुझे सुना नहीं, और मेरे प्रति कुछ भी अवधारणा बना लो तो ये आपका मन है। बैठेंगे, बात करेंगे, तब पता चलेगा क्या है। गजेंद्र सिंह साहब और मैं, मुझे वो स्मृतियां याद आ रही है जब आप सीमा जन कल्याण समिति में थे, आज से 30 वर्ष पहले, और मैं मेरे गुरु महाराज को साक्षी रह के कह रहा हूं, मैं बड़ाई अतिशयोक्ति या चापलूसी में नहीं, वास्तविकता में कह रहा हूं, इनके व्यवहार में, इनके शिष्टाचार में, इनके आचरण में मैंने मेरे प्रति कभी फर्क नहीं देखा। भ्रांतियां फैला रहे हैं, सच्चाई है ये। भाप जी आपकी टिकट आपके साथ, आपको क्या पता कहां क्या चिंतन हो रहा है, कौन किसके साथ खड़ा, यूं ही बातें बना के लगा देती। और अपर अठहरा कलाकार ऐसा है भाई, मोटा दार्शनिक देखा, मोटा संत देखा, अठहरे कलाकार जो बातों बनाने वाला कलाकार, एड़ा कठे नहीं देखे, एड़ी ठावे जो कोई अंगो अंग लगा दे हमारे। इस भ्रांति से निकलना है, और अब मेरे गजेंद्र सिंह जी के बीच में कोई है भी नहीं और कोई आ भी नहीं सकता, यह भी ध्यान रखना। भ्रमर भ्रांति तब तक होती है जब तक अपनी विसंगति रहती है, तब बैठते नहीं। मेरा इतना ही निवेदन है कि मन के अंदर कोई भ्रांति मत रखना, मेरे प्रति भी कोई भ्रम हो तो मेरे साथ बैठ जाना, मैं जो हूं मैं आपको बता सकता हूं, सच्चाई है जो बता दूंगा। गजेंद्र सिंह जी के प्रति भी आपकी भ्रांति, इनके पास बैठो, सुनो इनकी बात, समझाओ, निश्चय ही आपको ऐसा लगेगा जैसा मुझे लग रहा है कि गजेंद्र सिंह जी के मन में बहुत गहरे आदमी है, बहुत गंभीर आदमी है, बहुत दूरदर्शी आदमी है, पर आपकी भी क्षमता ऐसी होनी चाहिए ना, आप भी तो गहरे हो ना, गहरे होंगे जब जाके पता चलेगा ये गहरा कितना है। अब आप तो किस मूड में कब आकर के किस समय कैसा फोन कर दो और कैसे मैसेज डाल दो, तो थोड़ा यह भी सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में क्या बोल रहा हूं, और उससे वातावरण दूषित होता है ना, उसके दोषी आप बनते हो, और जो हानि होगी गजेंद्र सिंह जी को बाद में होगी, पहले देश को हानि होगी, मोदी जी को होगी और प्रताप जी को होगी, उसके दोषी भी आप बनते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी भ्रांति में नहीं पड़ना है, और एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य लेके चलना है कि जिस मिशन के लिए हम लोग लगे और जो हमारी जिम्मेवारी, जिसका दुपट्टा मैंने पहना है और जिसके मंच पर हम लोग बैठे हैं, ये कोई सामान्य पार्टी नहीं, सामान्य काम नहीं, हमारे ऊपर कंधों पर भार है, देश का भार है। मुझे आशा और विश्वास है आज यहां से उठने के बाद में हम सब लोग एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए जुनूनी बनकर के लगेंगे, पागल बनकर लगेंगे, और सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति किसी काम के लिए दीवाना हो जाता, पागल हो जाता, जुनून चल जाता है। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे आशा और विश्वास है, मुझे भी शांति मिलेगी, मुझे भी प्रसन्नता मिलेगी, और मेरे हृदय से पुनः आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, और चारों तरफ आपकी जय जयकार यश मिलेगा, कि जब मोदी जी के पास दूसरे नंबर की कुर्सी हमारी लगे तब जाके हमें यश और कीर्ति मिलेगी, और ये पोकरण को करके दिखाना है, बस इतनी आशा रखता हूं। एक और सूचना दे के बात पूरी करूंगा, 30 तारीख को नामांकन है जोधपुर के अंदर, हम सबको अपना कर्तव्य निर्वाहन करने के लिए वहां उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दिखानी है, और उसी दिन जीतते करके रिकॉर्ड बता देना कि कितने मतों से हम जीतेंगे। समय पर सभी को पहुंचना है 30 तारीख को जोधपुर के अंदर। और एक हमने रात को फाग महोत्सव रखा है, हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने, मनीष जी ने, पूरे शहर के नागरिकों ने, बहुत अच्छा वातावरण बना। मुझे भी कई आप लोगों ने कहा अभी तक अपना मिलना नहीं हुआ, धन्यवाद नहीं हुआ है,
तो मैं भी आप सबसे निवेदन करता हूं, अध्यक्ष मोदी जी से, महोदय जी से मैंने विचार विमर्श कर लिया है जिला अध्यक्ष जी से, कि 27 तारीख को रामनाथ जी धुणे में पुनः हम सब का एक बहुत विशाल पूरी विधानसभा का होली स्नेह मिलन होगा, उसमें आप साधारण आमंत्रित है, 12 बजे से 4 बजे आप सबको आना है। पुनः संगठनात्मक चर्चा करेंगे और देश के लिए और चर्चा करेंगे, पार्टी के लिए चर्चा करके अपने को और कुछ नया करने के लिए, कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हम सबको संगठित होना है। इतना ही कहते हुए मुझे विश्वास है कि भगवेरी लाज जो राखी जी, हमें आगे भी थोने राखनी है। और एक ही बात, वो हाथ खड़े कर दो कि हम सब लोग एक ही भाव से लग करके, और कोई है इधर उधर तो उनको भी समझा करके, एक ही जाजम पर बैठ करके हमारा जो स्वरूप है, हमारे हृदय में कमल खिले। मारे तो इष्ट देव ने प्रार्थना करूं, मारे गुरु महाराज सिद्ध पुरुष मोहनपुर जी ने प्रार्थना करो, थे साचे मन में याद करया थोड़ा सब कौम पार है, और साचे मन में लागू डा रहा थोड़ा कोई कौम नहीं रुकेला। मोहनपुर जी महाराज रो आशीर्वाद मिलते रहे, सभी देवी देवता रो आशीर्वाद मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की। बहुत ही बहुत धन्यवाद आदरणीय बाप जी, आपने